Welcome, dear students. How are you? I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Mohammad Noman Faisal, once again welcome you people with yet another topic from first year English. And our today's topic is a poem, and that is A Man of Words and Not of Deeds. मतलब वो आदमी जो वर्ड्स तो बहुत बोलता है, ब्ला 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 बहुत कुछ कहता है, लेकिन असल में वो कोई डीड, कोई एक्शन एक्चुअल परफॉर्म नहीं करता. और आप जैसे जानते हैं हमारी सोसाइटी में वो लोग जो बातूनी होते हैं, ओनली टॉकेटिव होते हैं, लेकिन कभी भी रियलिटी में वो यूजफुल पर्पस की तरफ नहीं आते, यूजफुल एक्शन की तरफ नहीं आते. वो हमेशा ज़िंदगी में मार खाते हैं, ख्वार होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है हम बेसिकली सिक्स एंगल्स से देखेंगे. अबाउट पोइट देखेंगे, थीम देखेंगे पोइम का, टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन देखेंगे, देन एक्सप्लेनेशन की बारी आएगी, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और देन वोकैबुलरी प्रैक्टिस होगी. तो आगे आते हैं जी पोइट के बारे में. पोइट जो है इस पोइम का बेसिकली चार्ल्स पेरॉल्ट है जी. तो चार्ल्स पेरॉल्ट के बारे में जानते हैं. चार्ल्स पेरॉल्ट बेसिकली जो पैदा हुए थे 12th जनवरी 1628 को पैदा हुए और 16th मई 1703 में उनकी डेथ हुई थी. स्टाइल अगर आ जाए तो ही वॉज अ फ्रेंच ऑथर एंड पोइट. बेसिकली फ्रांसीसी थे, ऑथर भी थे, स्टोरीज भी लिखी, पोइट भी थे. एंड ही लेड फाउंडेशन फॉर अ न्यू लिटरेरी जॉनरा द फेरी टेल. तो मतलब फेरी टेल की जो बुनियाद रखने वाले हैं आप कह सकते हैं कि वो चार्ल्स पेरॉल्ट ही थे. तो इनके फेमस वर्क्स की तरफ आते हैं. तो इनका फेमस वर्क ली पैटिट चैपरन रॉक, फ्रेंच है जाहिर है, इंग्लिश में कहेंगे तो लिटिल रेड राइडिंग हुड, और देन सिंड्रेलियन, आपने बहुत मशहूर जो है वो स्टोरी पढ़ी हुई है बच्चों की, फेरी टेल सिंड्रेला, वो भी इन्हीं की है. देन ली चैट बॉटे मीन्स पस इन बूट्स, और देन ला बेली ओ बॉयस डॉर्मेंट द स्लीपिंग ब्यूटी, और एक और जी बारबी ब्लू मीन्स ब्लू बियर्ड. तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं. मैनी ऑफ द वर्क्स ही हैज ऑन हिज क्रेडिट एंड दीज आर सम ऑफ देम. पोएम के थीम की तरफ आते हैं जी स्टूडेंट्स. तो द पोइट क्रिटिसाइज एंड कंडेम्स दोज पीपल हु आर ओनली टॉकेटिव एंड डू नॉट टेक एनी पार्ट इन एनी काइंड ऑफ हेल्दी एक्टिविटी. मीन्स जो सिर्फ बातें करते हैं और किसी हेल्दी एक्टिविटी में नहीं आते, पोइट उनको कंडेम कर रहा है, उनकी मुजम्मत कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है. दे आर इंटायरली यूजलेस टू सोसाइटी, मतलब मुआशरे में उनका कोई फायदेमंद रोल, कोई किरदार नहीं होता. दे लूज देयर वर्थ इन सोसाइटी एंड डाई इन द आईज ऑफ द पीपल. वक्त के साथ साथ वो अपनी वर्थ जो है वो लूज करते हैं और मुआशरे की नज़र में उनकी इज्जत की, उनकी वैल्यू की डेथ हो जाती है. मीन्स दे आर नो मोर इन द आईज ऑफ द पीपल, इन आईज ऑफ सोसाइटी, एंड दे आर डिसऑनर्ड बाई सोसाइटी और मुआशरा. उन लोगों को जो बातें करते हैं, एक्चुअल जो है वो कोई एक्टिविटी, कोई यूजफुल एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते. मतलब दावे तो बहुत करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो कर दूंगा, लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं होते. वो टॉकटिव किस्म के पर्सन जो बेसिकली अंदर से हॉलो होते हैं, सोसाइटी उनको डिसऑनर करती है. तो टेक्स्ट और ट्रांसलेशन पर आते हैं इस पोएम नंबर 19 की. तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट की आप लाइन देखें पहली. अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स. मतलब एक ऐसा आदमी जो बातें तो करता है लेकिन डीड्स, कोई अमल नहीं करता, वो एक ऐसे बाग की मानिंद है जो जड़ी बूटियों से, वीड्स हर्ब्स कह लें, श्रब्स कह लें, जो जड़ी बूटियों से भरा हुआ है. आपको पता है कि एक गार्डन, एक बागीचा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो वीड्स, जो जड़ी बूटियां उगी हों, घास फूस जो है वो उगी हो, तो वो जाहिर है उस गार्डन की जो एक्चुअल जो वेजिटेशन है उसको भी नुकसान पहुंचाती है और उनको प्रॉपर मिनरल्स जो है वो जमीन से अब्सॉर्ब करने नहीं देती. तो ऐसे जैसे एक गार्डन जिसमें वीड्स हो वो बेकार है, बेफायदा है, बल्कि नुकसानदेह एक्चुअल गार्डन के लिए, वैसे एक आदमी जो एक्शन नहीं करता सिर्फ बातें करता है, वो भी ऐसे एक ऐसे गार्डन की माने जो जड़ी बूटियों से भरा. तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. एंड व्हेन द वीड्स begin to grow, it is like a garden full of snow. तो देखें weeds again, वही जड़ी बूटियाँ आ गई, कि जब weeds ये बढ़ती हैं, ये आगे को grow होना शुरू होती हैं,
तो ये बाग ऐसी है जैसे स्नो से, इट इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो, जैसे ये बर्फ से भरा हुआ। अब स्टूडेंट्स, बाग अगर एक बर्फ से भर जाएगा, जैसे स्नो फॉलिंग होती है, तो स्नो अगर अगर किसी बाग में गिरती है तो सारा वो सारी वेजिटेशन जो है वो खराब हो जाएगी, जल जाएगी। इनफैक्ट वो किसी भी सूरत जो है वो वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। इट मीन्स टू से कि जैसे एक स्नो जो है, स्नो फॉलिंग जैसे वीड्स जो हैं वो एक गार्डन को डिस्टर्ब करती हैं, तबाह करती हैं, ऐसी टॉक्टिव बंदे की मे टॉक सिर्फ और सिर्फ आती उस बंदे को खराब कर देती हैं, तबाहो बर्बाद कर देती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ इट इज, जब वो कहता है इज लाइक, इट इज लाइक, तो यहाँ वो सिमिली यूज कर रहा है, जिसको आप उर्दू में बेसिकली तशबीह कहते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरा बेटा चांद जैसा है, तो ये तशबीह है, इंग्लिश में इसको सिमिली कहते हैं। तो ये भी इट इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो, तो सिमिली यूज हुई है। मेटाफर भी आपने पढ़ा हुआ है, इस्तारा होता है जिसमें आप ये डायरेक्ट उससे वो खूबियां मुस्तार लेते हैं कि मेरा बेटा चांद है। तो यहाँ आपको बेसिकली सिमिली इसका ज्यादा इस्तेमाल नजर आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। एंड व्हेन द स्नो बिगिंस टू फॉल, इट इज लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल, कि जब स्नो गिरना शुरू होती है, मतलब जब बर्फबारी होती है, तो ये एक दीवार पर बैठे हुए परिंदे की मानिंद है। मींस टू से कि वो शख्स जो सिर्फ टॉकटिव है, जो सिर्फ बातें करता है, तो जब उसको मुसीबतें पड़ना शुरू होती हैं, जरा स्नो फॉलिंग यहाँ एक सिंबॉलिक मीनिंग है, मुसीबतें पड़ने का, तकालीफ आने का, तो वो वहां से राह फरार इख्तियार करता है। वो दीवार पर बैठे हुए परिंदे से यहाँ मुराद है कि वो वहां से भागना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है, वहां से जरान छुड़ाना चाहता है। एंड वेन द बर्ड अवे डस फ्लाई, कि जब परिंदा दूर उड़ जाता है, जब अपनी मुसीबतों से कन्नी कतराता है। देखिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, और वो लोग जो मुसीबतों से कन्नी कतराते हैं, जैसे कबूतर जो के बारे में है कि वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, तो दोस टाइप ऑफ पीपल जो है जब वो दूर भागते हैं, जैसे ये शख्स जब उन मुसीबतों से दूर भागता है, तो ये ऐसा ही है। इट इज लाइक एन ईगल इन द स्काई, कि जैसे आसमान में उड़ता हुआ कोई उकाब हो। इट मीन्स टू से कि वो फिर दूर भागता है और अपनी लंबी फ्लाइट लेता है। तो बेसिकली टिल नाउ इन दीज एट लाइन्स द पोइट हैज बेसिकली टोल्ड अस दैट एवरीवन हु इज मेयरली टॉकेटिव, हु डजंट गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन एनी यूजफुल एक्टिविटी, बेसिकली ही स्पॉइल्स हिमसेल्फ एंड ही इज गिविंग सम सिमिली सम एग्जाम्पल्स दैट जस्ट लाइक अ गार्डन वेन देर वॉज स्नो और देर आर लॉट ऑफ वीड्स इन इट, द गार्डन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड दैट पर्सन इज बेसिकली ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन हिज लाइफ एंड वेन ही एस्केप्स फ्रॉम दोज मिजरीज फ्रॉम दोज ट्रबल्स इन स्पाइट ऑफ फेसिंग दैम इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग विद दैम एंड गेटिंग ओवर दोज वीकनेसेस एंड दो प्रॉब्लम वेन ही फ्लाइज अवे वेन ही एस्केप्स फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स दोज ट्रबल्स means to say ki he is afraid of those troubles and he thinks that basically he has defeated them, he has not defeated them, wo apne aap ko ek eagle samajhta hai lekin asal mein wo eagle hai nahi, dekhte hain uske sath kya hota hai ji। and when the sky begins to roar, aur jab aasman us par dhaadta hai, roar karna, garjna, kisi ke upar bahut zyada shout karna, to aasman ka dhaadne ka matlab ki jis aasman mein ud raha hota hai wahi aasman jab uski mukhalifat karta hai, jab wahi aasman उसके लिए जो है वो एक मुसीबत का बाइस बनता है। इट इज लाइक अ लायन एट द डोर, तो वो दरवाजे पर खड़े एक शेर की मानिंद है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये लिंकिंग बड़ी अजीब हुई है, कि लिंकिंग में स्नो के बाद वो बर्ड का जिक्र आ गया और बर्ड के बाद यकदम से आते हैं पोइम पे वापस, कि बर्ड के बाद यकदम से फिर जो है वो लायन का जिक्र आ गया, तो सर ये क्या हुआ है? तो बेसिकली देखिए, वो जो पर्सन है जो सिर्फ टॉकटिव, वो फ्रिवलस है, वो फ्रिवलस है, तो पोइट ने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी लिंकिंग भी फ्रिवलस, बेकार, यूजलेस सी रखी है। कि गौर करें, वो ईगल जो है वो लाइन बनता जा रहा है। इट मींस टू से कि थोड़ा सा फ्रिवलस वे उसने अख्तियार किया है। एंड व्हेन द डोर बिगिंस टू क्रैक, और जब ये दरवाजा टूटना शुरू होता है, जाहिर है वो जो शेर है वो खतरे की अलामत है, और वो शेर हमला कर देता है। हमला किस पर कर रहा है? उस आदमी पर जो टॉकटिव है। असल में चीजें सिंबॉलिक हो रही हैं, अलामती तौर पर, कि वो जो बातें करता है सिर्फ, जो यूजफुल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता, तो आखिरकार उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उन मुश्किलात की वजह से वो जब मुश्किलात उसके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती हैं, जो वो उससे जो भागा होता है, वो अपने अपने आप की जान छुड़ाई होती है, तो
लेकिन अपनी जान अब वो छुड़ा तो कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन खतरात उसको ढूंढ रहे होते हैं, मुसीबतें उसको ढूंढ रही होती हैं। इट इज लाइक अ स्टिक अक्रॉस योर बैक, तो फिर उसको सजा मिलती है। जैसे स्टिक का पढ़ना बेसिकली सजा का मतलब है कि उसको अपने ना किए की, कि उसने सिर्फ बातें की उन पर एक्ट नहीं किया, तो मीन्स टू से कि वो टॉकटी पर्सन जो यूजफुलनेस जिसने की नहीं, वो यूजलेसनेस उसकी सजा बन के उसके सामने खड़ी है, और उसकी कमर पर जो है स्टिक पड़ने का मकसद कि उसको अब नुकसान ही नुकसान है। एंड व्हेन योर बैक बिगिंस टू स्मार्ट स्मार्ट पेन करना, दर्द करना, और जब आपकी कमर पर दर्द शुरू होता है, हार्ड स्टिक पड़ रही है, यू आर गेटिंग पनिशमेंट ऑफ योर मिसडीड्स, इनफैक्ट योर यूजलेसनेस, योर स्टिलनेस एंड योर मोशनलेसनेस एंड योर एक्शंस देट वर नेवर अकॉर्डिंग टू योर टॉक्स, इट इज लाइक अ पेन नाइफ इन योर हार्ट। तो ये ऐसे जैसे आपके दिल में किसी ने पेन नाइफ होता है जी, एक छोटा सा खंजर, छोटा सा डैगर, जैसे आपकी दिल में किसी ने कोई छोटा डैगर, कोई खंजर घोंप दिया हो, तो जहर जब दिल में खंजर घोंपा जाता है, एंड व्हेन योर हार्ट बिगिंस टू ब्लीड, तो आपके दिल से खून निकलता है, तो यू आर डेड एंड डेड इंडीड, डेड एंड डेड इंडीड, क्या वाकई मर चुके होते हैं। अब यहाँ मौत किसकी अलामत है? मौत है आपकी रिस्पेक्ट के खो जाने की अलामत। मीन्स इन द आईज ऑफ सोसाइटी यू आर डेड, इन द आईज ऑफ सोसाइटी यू आर नो मोर, योर रिस्पेक्ट इज कम्प्लीटली गोन एंड यू आर नो मोर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पोइट यहाँ इस पोएम में हमें ये दिखाना चाह रहा है कि वो लोग जो सिर्फ बातें करते हैं, जो कुछ भी यूजफुल नहीं करते, एट द एंड दे हैव टू फेस द रिएक्शन ऑफ देयर यूजलेसनेस। तो आते हैं जी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका पहले भी सीख चुके हैं कि आपने पहले रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस देखिएगा क्या लिख रहे हैं कि दिस ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, रिटन बाय चार्ल्स पिरॉल्ट एंड ट्रांसलेटेड बाय रॉबर्ट सैम्बर। चूंकि ये फ्रेंच में लिखी गई थी तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन रॉबर्ट सैम्बर ने की है। जब आप कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं तो आप उस पोएम के बारे में बताते हैं थोड़ा सा कि इस पोएम में क्या क्या हुआ। तो द वर्ड क्रिटिसाइजेस एंड कंडेम, कंडेम होता है मजम्मत करना, क्रिटिसाइज तनकीद करना, दोज पर्सन्स हु आर ओनली टॉकटिव एंड डू नॉट टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ हेल्दी एक्टिविटी, कि जो सिर्फ बातें करते हैं और किसी हेल्दी एक्टिविटी में वो बेसिकली हिस्सा नहीं लेते, शायर बेसिकली उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाने की यहाँ हमें कोशिश करता नजर आ रहा है। तो ही कॉल्स देम वीड्स, शायर उनको क्या कहता है कि वो वीड्स हैं, वो जड़ी बूटियाँ हैं, दैट आर हार्मफुल फॉर द गार्डन, सो आर दीज पीपल फॉर सोसाइटी, इस तरह ही ये लोग भी मुआशरे के लिए नुकसान दे हैं। दे ब्लॉक द प्रोग्रेस एंड क्रिएट डलनेस ऑल अराउंड, तरक्की के रास्ते में ये रुकावट बनते हैं और इर्द गिर्द एक डलनेस की फजा पैदा करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू इंगेज आवरसेल्व्स इन सम फ्रूटफुल एक्टिविटी टू मेक लाइफ प्लेजेंट एंड यूजफुल फॉर मैनकाइंड, कि हम लिए लाजिम है कि हम कोई ना कोई फ्रूटफुल एक्टिविटी में जाएं ताकि ज़िंदगी को अपने लिए प्लेजेंट और यूजफुल बना सकें ह्यूमन के लिए। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, इन दिस लाइन्स द पोइट कंडेम्स, जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो ज़ाहिर है हम इन दिस लाइन्स मतलब उन उस गिवन स्टेंजा भी लिख सकते हैं कि इन द गिवन स्टेंजा कंडेम मुजम्मत कर रहा है द पीपल दैट आर यूजलेस फॉर सोसाइटी। ही गिव्स अस अ मैसेज of common sense, he says that the man who is only chatty and gossips a lot without any skillful work is like a wild plant and that grows automatically. तो वो कह रहा है कि वो आदमी जो सिर्फ बातें करता है, गप्पे मारता है, कोई स्किलफुल काम नहीं करता, वो एक वाइल्ड प्लांट की मानिंद है जो कि खुद ब खुद खुद रो जड़ी बूटी है। इट नीड्स टू बी अप्रूटेड इमिजिएटली बिकॉज इट ब्लॉक्स द ग्रोथ ऑफ फ्लावरी प्लांट, सहार है जब वो जड़ी बूटियाँ उग रही हैं तो फूल फल तो नहीं उग सकते। तो वंस इट इज ग्रोन इट मेक्स द सिचुएशन मोर डिफिकल्ट लाइक स्नो इन विंटर, जैसे ये जड़ी बूटियाँ बढ़ती हैं तो वह सूरत हाल बिगड़ती है, जैसे बर्फबारी के दौरान बिगड़ती है विंटर में, सर्दियों में इन विंटर स्नो नो वेजिटेशन कैन बी सीन, आर बर्फबारी में तो वेजिटेशन सारी खराब हो जाती है। द पोएट गिव्स डिफरेंट एग्जांपल्स टू हाईलाइट द यूजलेसनेस ऑफ सच अ पर्सन, ही क्लेम्स दैट सच पर्संस हिंडर द ओवरऑल प्रोग्रेस, हिंडर रुकावट डालते हैं पूरी तरक्की में। ही सेज दैट व्हेन स्नो बिगिंस टू फॉल इट इज लाइक अ बर्ड सिटिंग एमलेसली ऑन द वॉल, के जब ये बर्फबारी गिरती है तो एक ऐसा परिंदा बन जाता है वो शख्स जो कि एमलेसली दीवार पर बैठा है, जो एस्केप कर रहा है। तो वेन इट फ्लाइज अवे इट इज लाइक एन ईगल फ्लाइंग सो हाई इन द स्काई दैट इट गोज आउट ऑफ रीच, वेन द स्काई रोर इन द रेनी सीजन इट सीम्स लाइक अ लायन रोरिंग एट अ डोर, एंड वेन द डोर बिगिंस टू स्प्लिट इट इज क्वाइट पेनफुल, सहार है
वो आपके लिए खतरा बनकर आया है, और डोर अब टूट रहा है तो आपके लिए वो खतरा ही खतरा है। इट इज़ लाइक अ स्टिक अक्रॉस योर बैक, तो ऐसे जैसे आपकी कमर पर किसी ने स्टिक मार रहा हो। द पेन बिकम इंटेंस, वी फील दैट सम बॉडी हैज स्टैब्ड हिज पेन नाइफ इन आवर हार्ट, और लगता है कि जैसे किसी ने हमारे दिल में खंजर घोंप दिया हो। देन एट अ फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ हार्ट स्टार्ट्स ब्लीडिंग एंड डेथ बिकम्स ऑब्वियस, के दिल से खून निकलता है और मौत वाजे हो जाती है और यकीन नहीं हो जाती है। और ये मौत असल में मैंने कहा था सिम्बॉलिक है, ये दुनिया की नज़र में मौत है, दुनिया की नज़र में आपका रिस्पेक्ट और स्टेटस का खत्म हो जाना है। इट बिकम्स टू एन एंड एट लास्ट विदाउट एनी फ्रूटफुल एक्टिविटी, और लाइफ बिना किसी फ्रूटफुल एक्टिविटी उस बंदे की आखिरकार खत्म हो जाती है। द पॉइंट इट वाजेज अस टू बी पॉजिटिव इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वॉक या फील्ड का मीनिंग है, खैर मैदान में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर अस दैट वी शुड एंगेज आवरसेल्व्स इन सम काइंड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, किसी प्रोडक्टिव किसी फायदेमंद एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। वी मस्ट नॉट बी टॉकटिव ओनली, हमें सिर्फ बातों नहीं होना चाहिए। एंड बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ वर्क, और काम की डिग्निटी में, इज्जत और वकार में हमें यकीन रखना चाहिए। तो आपके पास नेक्स्ट एक कोटेशन है जी गोइटो की, कि लाइफ इज एक्शन नॉट कंटेम्पलेशन, के जिंदगी अमल है, सिर्फ सोच विचार नहीं। कि कंटेम्पलेशन थिंकिंग, गौर और फिक्र, कंसिडरेशन, कि आप सोच ही जाएं और अमल ना करें, ना जिंदगी असल में अमल है। तो क्रिटिकल एनालिसिस पे आते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में पोएट को हमने लिटरेरी तौर पर एनालाइज करना होता है। तो द पोइट हैज डिफरेंट सिमिलीज लाइक वीड, स्नो, ईगल एंड पेन नाइफ। वो जब कहता है लाइक एन ईगल, लाइक अ पेन नाइफ, लाइक वीड, तो ये सिमिलीज यूज कर रहा है टू शो द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मेयर टॉक्स, जो हम सिर्फ बातें करते हैं उनके नुकसान दिखाने को। इट इज एक्शन नॉट टॉक दैट मेक्स द लाइफ मोर मूव अहेड, कि ये अमल है जिससे जिंदगी आगे बढ़ती है, बातें नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जी। पहला, हाउ डज द लाइफ ऑफ ए नेमलेस मैन पास थ्रू डिफरेंट फेजेस, तो बेमकसद आदमी की जिंदगी कैसे मुख्तलिफ फेज से गुजरती है जी। हमने देखा, ये आपने अगर देखें तो ये आपको मुख्तलिफ फेजेस ही बताए गए हैं, कि वो वीड से स्नो, स्नो से बर्ड, और बर्ड से वो होता हुआ लाइन, और लाइन से आखिरकार उसकी मौत का सबब बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइफ इज स्पेंट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, कि जब जिंदगी सिर्फ बातें करते हुए गुजारी जाए और काम ना किया जाए तो क्या होता है। हम ये भी देख लेते हैं कि वो शख्स कि जो सिर्फ बातें करता है, वो उसके साथ होता क्या है। कि द पोएट क्रिटिसाइज एंड कंडेम्स दोज पर्संस हु ओनली आर टॉकटिव, डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन लाइफ, ही कॉल्स देम वीड्स, दे ब्लॉक द प्रोग्रेस। इट नेसेसरी फॉर अस टू एंगेज आवरसेल्व्स इन फ्रूटफुल एक्टिविटी टू मेक लाइफ प्लेजेंट, अदरवाइज वी बिकम डेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज द गार्डन लुक लाइक वेन द वीड स्टार्ट ग्रोइंग, हमने पढ़ा था इट इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो, एंड स्नो मीन्स टू से मोर हार्म टू दैट गार्डन, नथिंग कैन ग्रो आउट ऑफ इट एंड नथिंग प्रोडक्टिव एंड यूजफुल कैन बी ग्रोन फ्रॉम दैट गार्डन। और बेसिकली दीज आर सिम्बल्स फॉर द यूजलेस पर्सन दैट हिज यूजलेस टॉक, हिज ओनली टॉकटिव हैबिट मेक्स हिम यूजलेस इन सोसाइटी। एंड वट इज द मोरल ऑफ द पोइम, मोरल ऑफ द पोइम अगर हम देखें तो हमें एंड पर एडवाइस मिल रही है। He advises us the to be positive in every walk of life. It is necessary for us that we should engage ourselves in some kind of productive activity. तो गौर करें, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स बेसिकली आपके एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट में मौजूद होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हु डज द पोएट क्रिटिसाइज इन द पोएम, तो आपको ये जो आंसर है वो बेसिकली इजीली जो है वो कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है। तो आप देखिए, पहली लाइन में जो कॉन्टेक्स्ट के पोएट यहाँ में लिखा हुआ है कि द पोएट इज कंडेमिंग द पीपल हु आर मेनली टॉकेटिव and they do not do anything useful in the society and they are just like garden full of weeds and like even situation gets worse in snow when the snow damages more the garden. So means the poet is basically criticizing the person who is merely talkative and does not do any useful work. So vocabulary practice pe aate hain, previous past papers and ye sara jitne पंजाब के 2012 से लेकर आगे तक पास पेपर्स ये सारे इसमें इन्वॉल्व किए हैं। तो वीड्स का आपने लगाना है जी, वीड्स सारे जड़ी बूटियां होती हैं, वाइल्ड प्लांट्स ही आंसर आना था, वाइल्ड फ्लावर्स या वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड बर्ड्स नहीं। डीड्स एक्शंस होते हैं, एंड यस एक्शंस, रोर शेर की धाड़ होती है, तो हमें कोई एनिमल की साउंड लेनी है तो ग्राउल एक एनिमल की साउंड है, अदरवाइज तो बाउल ब्रेक या गेट साउंड ही नहीं है। क्रैक टूटना होता है जी, तो ब्रेक या स्प्लिट का हमारा आंसर बनेगा। स्मार्ट दुखना, यहाँ स्मार्ट याद रखिएगा, यहाँ स्मार्ट का मतलब
एक्टिव नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि फिजिकली बड़ा थिन दिखता हो। यहाँ स्मार्ट का मीनिंग जो है वो तकलीफ है, तो टॉर्मेंट आंसर आना है। क्राई तो चीख होती है, तो हमें तकलीफ दुख लेना है। जब उसको दुख होना शुरू होता है, तकलीफ होना शुरू होती है, ब्लीड खून का बहना है जी, तो टू ट्रिकल ब्लड। तो फॉलो अप पे आते हैं स्टूडेंट्स, गो थ्रू द पोएम यूजिंग वीडियो एंड टेक्स्ट बुक, लर्न एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट आंसर्स बाय हार्ट, एंड यस प्रैक्टिस सरनेम एक्सरसाइज। यस एंड कीप दैट थिंग इन माइंड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स और यू कैन आस्क योर टीचर्स, डू टेक द हेल्प ऑफ सम अदर की बुक ऑल्सो टू गेट मोर आइडियाज एंड टू गेट इट मोर अकम्प्लिश्ड। Thank you, students. Thank you very much.